नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 26 जुलाई यानी ट्यूसडे, मंगलवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपका आज के दिन जन्मदिन है, आप 26 जुलाई को पैदा हुए हैं, तो आपको मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बड़ों के आशीर्वाद के साथ साथ एक छोटा सा उपाय आपने ज़रूर करना है आज के दिन भी। तांबे के गिलास में गुड़ भर लेना है। कॉपर का एक गिलास ले लीजिए, खरीद लीजिए। टाइम पूरा दिन है, कर सकते हैं। सूर्य अस्त सनसेट से पहले पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। तांबे का एक गिलास लीजिएगा, उसके अंदर गुड़ भर लीजिए। जितना गुड़ भरा जाए, ऊपर हाथ ऐसे रखिएगा कि पूरा बराबर अंदर होना चाहिए, गुड़ बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। उसे आपने थोड़ी सी दक्षिणा रख करके पूजा स्थान पर जा करके अर्पित करके आना है। किसी भी भगवान के सामने आप उसे अर्पित करके आ जाइए। आते ही सबसे पहले अगेन बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, जाते भी ले लीजिए आशीर्वाद। कहते हैं बर्थडे के दिन अगर ढेरों आशीर्वाद मिल जाए तो आपके गिफ्ट से ज़्यादा बड़े काम करते हैं वो। साल भर आपका सुरक्षित रखते हैं, साल भर आपको खुशियाँ देते रहते हैं, साल भर आपके द्वार पर तरक्की ही तरक्की लेकर के आते हैं। तो सोचिए बड़ों के आशीर्वाद में कितना ज़्यादा अनमोल रत्न छुपा हुआ है। तो आपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। अपने दिन को भी बेहतर बनाना है, अपने साल को भी बेहतर बनाना है। भोलेनाथ के हम 5 नाम हर दिन हर वीडियो में लेते हैं, स्मरण भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, उच्चारण भी कीजिएगा। आज कौन से हैं 5 नाम जिनका स्मरण श्रवण आपने करना है? और वैसे तो नंबर वाइज चलेंगे तो 61 बार नंबर है ये, और लेकिन हमारी वीडियो में, आज की वीडियो में ये पहला नंबर है। गिरीश्वर, कैलाश पर्वत पर रहने वाले। अनघ, पाप रहित या फिर ये कहें कि पुण्य आत्मा वाले। भुजंग भूषण, सांपों और नागों के आभूषण धारण करने वाले। भर्ग यानी पापों का नाश करने वाले। गिरी धनवा, गिरिंधवा कहते हैं इसे, मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले। ये 5 नाम हैं जो आपने मेरे द्वारा सुने, लेकिन शाम को इसी वीडियो को दोबारा से आपने रिपीट करना है, देखना है और दोबारा से इन नामों को सुन लीजिए। अगर उच्चारण करना चाहे तो उच्चारण भी कर सकते हैं। अब एक बार फिर से नामों को दोहरा रही हूँ। गिरीश्वर, अनघ, भुजंग भूषण, भर्ग, गिरिंधवा। आपने ये 5 नाम, इनका स्मरण करना है और इनके बारे में जो विश्लेषण दिया है उसका ध्यान करना है और भोलेनाथ के आगे अर्जी लगानी है। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी मान जाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके हर रूप का वर्णन जब आप करते हैं, गोचर की बात करेंगे, उसके बाद राशिफल भी होगा, लकी अक्षर भी होगा, लकी विजेता भी होगा। साथ के साथ सावन में एक छोटा सा महा उपाय दिया जाता है जो आपने हर दिन ज़रूर करना है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। गोचर ट्रांजिट की बात करते हैं। सूर्य रहेंगे कर्क राशि में 9 डिग्री के हैं, बुध के साथ रहेंगे। चंद्रमा 12 डिग्री के हैं, मिथुन राशि में शुक्र के साथ रहेंगे। मंगल है 20 डिग्री के, मेष राशि में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। बुध है 19 डिग्री के, कर्क राशि में सूर्य के साथ हैं। गुरु है 15 डिग्री के, स्वराशि मीन में है। शुक्र है 16 डिग्री के, मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ रहेंगे। शनि मकर राशि में है, रेट्रो है, 29 डिग्री के हैं। राहु मेष राशि में है, मंगल के साथ रहेंगे और केतु है तुला राशि में। ये तो था आपका ट्रांजिट यानी गोचर। लकी विजेता भी है, लकी अक्षर भी है और एक छोटा सा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय भी है। लेकिन सबसे पहले आपकी राशियों का हाल। मेष राशि, एरीज, काम पर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरी चीज़ें संभाल करके रखिएगा। नया काम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुहूर्त देख करके, बिना मुहूर्त के काम शुरू ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आज के दिन कर सकते हैं।
वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, मानसिक तनाव आपका समाप्त हो सकता है, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है आज के दिन आपको। माता जी को आज के दिन कुछ ना कुछ उपहार जरूर दे दीजिए, बहुत फायदा होगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल, लाल रंग का इस्तेमाल आज के दिन जरूर कीजिएगा। मिथुन यानी जेमिनाई की बात करते हैं, आर्थिक उन्नति के पूरे पूरे योग हैं, अपने धन को संभाल करके रखें, नौकरी बदलने के पूरे पूरे संभावनाएं योग बने हुए हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, क्रोध से बचें, आपके काम बनेंगे। धन का लेन देन आज का दिन टाल दीजिए, यात्रा पर अगर जाना चाहे तो जरूर जाइए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन, गोल्डन रंग का इस्तेमाल आज के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात करते हैं, अपने फैसले ज़रा सोच से समझ करके लीजिएगा, हर किसी के ऊपर शक ना करें क्योंकि शक आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं खोखला करता है, कर रहा है। माता जी को आपने आज के दिन उपहार भी देना है लेकिन माता जी का आशीर्वाद आज के दिन ज़रूर लेना है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी, जामुनी रंग का इस्तेमाल आज के दिन कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं यानी वर्गो, किसी का दिल ना दुखाएं, मौसमी बीमारियों से बचने का प्रयास करें, धन का लेन देन आज के दिन टाल दें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला, काले रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। अब कौन है लकी विजेता जिसकी कुंडली आप देखी जाएगी, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन है जिनकी कुंडली इस समय मेरे साथ मेरे सामने बन चुकी है। मनु राजा, और इन्होंने जो डिटेल डाली है 02/02/1982, टाइम इन्होंने डाला है दोपहर के 1:45 यानी 13:45, लेकिन कोई प्लेस नहीं लिखा है कहाँ इनका जन्म हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो भाई क्वेश्चन भी नहीं है और प्लेस भी नहीं है, चलिए फिर भी हम आपके लिए कुछ ना कुछ तोहफा ज़रूर देंगे। हमारे हिसाब से जो इस समय आपके गोचर के हिसाब से या फिर ट्रांजिट के हिसाब जो कुंडली बन रही है वो इस समय वृष यानी टॉरस लग्न की कुंडली बनती है, मेष राशि बन रही है आपकी। शुक्र आपका रेट्रो है और माइंड का जो स्वामी होता है वो मरकरी होता है, वो भी रेट्रो कंडीशन में है। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इत्र का प्रयोग ज़्यादा किया करें और हरी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिए, हरे कपड़ों का आप ज़रूर जितना इस्तेमाल आप कर सके वो ज़्यादा बेटर है। हर दिन तुलसी का सेवन करना शुरू कर दीजिए, इससे वाणी भी अच्छी होगी, माइंड भी अच्छा होगा और डिसीजन भी आपके अच्छे होंगे, और जो छोटी छोटी अड़चनें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं वो सारी अड़चनें आपकी दूर भी होंगी। बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा और भी लोगों को ज़रूर मौका दीजिएगा जिनकी कुंडली देखी जाए। सुबह 6 बजे मेरी सारी वीडियोस आप ज़रूर देखा करें, इनफैक्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोपहर की 12 बजे की वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसमें भी बहुत कुछ खास होता है आप लोगों के लिए। अपनी डिटेल आप दोपहर की वीडियो में भी डाल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिटेल जो है हमने दोपहर की वीडियो से जो वो वहाँ से भी पिक की हुई है, तो आप दोपहर की वीडियो में भी अपनी डिटेल डाल सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात कर लेते हैं, अगली राशि। परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्रों से छुटकारा मिल सकता है आपको। यात्रा पर अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं लेकिन अगर स्वयं गाड़ी चलाते हैं तो ज़रा सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी, आसमानी रंग का इस्तेमाल आपके आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, नौकरी में किसी भी तरीके की चूक आपको खतरे में डाल सकती है, आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती है। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है, नया सामान अगर आप खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए तो खरीद सकते हैं, ज़रा मुहूर्त देख करके खरीदें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, दोस्तों के साथ मतभेद आपके बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अपने काम स्वयं करें, दूसरों के ऊपर ना डालें वरना नुकसान हो सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला, नीले रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने व्यवहार के अंदर नरमी लाने की ज़रूरत है, गाड़ी सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला, काले रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, धर्म कर्म के कार्यों से आपको लाभ हो सकता है,
धन आप ध्यान से सोच समझ करके किसी को दें, क्योंकि ये आज की भी मदद हो सकता है आपको वापस पैसा ना लौटाने की तरफ लेकर के जा रही हो। बाहर के खाने से आज के दिन परहेज कीजिएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा नो, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। आय कम हो सकती है लेकिन थोड़ा सा खर्च आज के दिन बढ़ सकता है। मानसिक तनाव को बढ़ने ना दें। देखिए बस छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में होती रहती हैं लेकिन उनको बड़ा रूप नहीं लेने देना चाहिए। फैसले सोच समझ करके लें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा दो, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। कौन सा अक्षर है जिसका प्रयोग आपने करना है? ठ, ठठेरा वाला ठ। ठ अक्षर का प्रयोग आपने करना है। लाल पेन यानी लाल रंग की इंक से ही आपने इस कागज़ के ऊपर इस अक्षर को, लेकिन तीन बार लिखना, तिकोना कागज़ काट लिए ट्रायंगल, और सबसे पहले आपने ऊपर जो ऊपर का कोना होता है उस कोने के ऊपर आपने सबसे पहले अक्षर लिखना है, देन आपके लेफ्ट साइड, फिर देन राइट साइड। तो आपने ये तीन जगह अक्षर लिखना है और बीच में लिखना है श्रीम, श्री के ऊपर बिंदी बनानी है, श्रीम लिखना है। इस अक्षर को आपने पूरा दिन अपने साथ रखना है। अगली सुबह जब आप नहा धो लें, पूरा पवित्र हो जाएं, इस अक्षर को अपने कागज़ को छत पर जा कर के रख देना है। अब एक छोटा सा उपाय जो भोलेनाथ को प्रसन्न करेगा वो कौन सा है? सावन का समय चल रहा है, ऐसे में भोलेनाथ तो प्रसन्न रहने चाहिए। वैसे भोलेनाथ भोले हैं, बड़ी जल्दी मानते हैं, तो छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम ज़िंदगी में करते रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियाँ इकट्ठी हो सकती हैं। भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित करना है, लेकिन लाल रंग के कलावे के ऊपर चंदन लगा करके अर्पित करना है। ये कलावा आप अर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना साथ के साथ रख दीजिए। भोलेनाथ मान जाएंगे और आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरी करेंगे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। दोपहर 12 बजे की वीडियो को भी ज़रूर देखा करें, उसमें भी आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, इस वीडियो में भी डिटेल डाल सकते हैं। हर सुबह 6 बजे मेरा इंतज़ार ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।